राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला के दर्शन करने के लिए देश के तमाम हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी राम मंदिर ट्रस्ट ने न्योता दिया है। साथ ही दोनों नेताओं से यह अपील भी की है कि वो अयोध्या न आए। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि दोनों बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे यह अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। राम मंदिर की बात आती है तो इन नेताओं का जिक्र होना स्वाभाविक है। मंदिर के लिए बीजेपी ने जो मुहिम छेड़ी है उसके अगुआ यही दोनों नेता हैं। तो चलिए उस कहानी पर चलते हैं जिसके हीरो यही दोनों किरदार हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। साल था 1992, तारीख 6 दिसंबर। आईबी ने गृह मंत्रालय तक ये सूचना पहुंचाई कि ढांचे का पहला गुंबद गिर गया है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। कई जगह छोटी मोटी सांप्रदायिक घटना भी देखी गई, लेकिन ये सब कंट्रोल में था। कार सेवकों का भीड़ बहुत ज्यादा थी। केंद्रीय बल मौके पर जाने में असमर्थ थे। यूपी के DGP ने CM को ये बात बताई कि बिना फायरिंग स्थिति को काबू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। रामकथा कुंज के मंच पर आडवाणी, जोशी और अशोक सिंघल थे, लेकिन चिंतित। उमा भारती भी मंच पर थी। वो खुशी से मुरली मनोहर जोशी की पीठ पर चढ़ गई। ये दोपहर का समय था। समय बीत रहा था और साथ ही अयोध्या को लेकर टेंशन भी। 4:40 पर इमारत का मुख्य गुंबद भी गिर गया। विश्व हिंदू परिषद इसे ही गर्भगृह कहती है। गुंबद गिरते ही सारे अफसर भागने लगे। रामकथा कुंज में बस कुछ साधु संत थे। आचार्य धर्मेंद्र, रितंभरा आदि कार सेवकों को ललकार रहे थे। हालांकि कार सेवक भी लौटने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति का विचार उस वक्त सुन्न पड़ गया था। शाम के 5 बज गए थे। लौटते हुए कार सेवकों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए। घर दुकानें वो लोग जलाते हुए जा रहे थे। इस दौरान कई मुसलमान मारे गए। इस पूरे मामले को जिस एक बात ने और ज्यादा भड़काया वो था स्थानीय बाबरी नेता हाजी महमूद से विवाद के बाद एक कार सेवक का गायब होना। 5:15 का वक्त रहा होगा। मामले को बिगड़ता देख बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने हाथ से ही एक अपील लिखी। इसमें सबसे पहले विवादित इमारत ध्वस्त करने पर कार सेवकों को बधाई दी गई। साथ ही उनसे ये अपील भी की गई कि अयोध्या के मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमला न करें, क्योंकि अयोध्या के मुसलमानों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। मुरली मनोहर जोशी की चिट्ठी स्थानीय विधायक लल्लू सिंह को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि वो जीप में घूम घूम कर कार सेवकों को ये बात समझाएं, लेकिन कार सेवकों का गुस्सा देख लल्लू सिंह पहले ही गायब हो चुके थे। 5:30 पर कार सेवक उस एरिया से निकल चुके थे। वो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों की ओर जा रहे थे। सबके हाथ में ध्वस्त इमारत की ईंट, बैरिकेटिंग की पाइप और मलबे के टुकड़े थे। कार सेवक ऐसे जा रहे थे जैसे युद्ध में जीतता हुआ सैनिक अपना विक्ट्री साइन दिखाता हो। बाबरी के मुख्य गुंबद गिराने के बाद कार सेवकों ने मामले के पक्षकार मोहम्मद हाशिम के घर को आग के हवाले कर दिया। अब तक पुलिस हरकत में आ चुकी थी। अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। यह घटना आग की तरह फैली और पूरे देश एक सांप्रदायिक माहौल बन गया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल समेत 7 राज्यों में सेना अलर्ट पर थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बनारस में कर्फ्यू लगा दिया गया। किसे पता था अगर लल्लू सिंह मौके से फरार न होते और जोशी की वो अपील अगर सुन ली जाती तो शायद दंगे कुछ कम होते। मुरली मनोहर जोशी से जुड़ा ये किस्सा युद्ध में अयोध्या किताब से लिया गया है, जिसे हेमंत शर्मा ने लिखा है। हेमंत शर्मा TV9 नेटवर्क के न्यूज़ डायरेक्टर हैं। अपनी इस वीडियो सीरीज में हम हेमंत शर्मा की 3 किताबों युद्ध में अयोध्या, अयोध्या का चश्मदीद और राम फिर लौटे से रोचक किस्से आप तक लाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।